हम बात कर रहे हैं इन्फीबीम की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। 5% के ऊपर का फॉल हमको इन्फीबीम में देखने के लिए मिला है। इससे पहले लगातार गिरावट दिखाई थी स्टॉक ने। 30 का सपोर्ट जो कि तगड़ा सपोर्ट था उसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद अपने 28 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर गया। हमने 24 तक का फॉल डिस्कस किया था, लेकिन बाइंग कहाँ से आई? ऑलमोस्ट 27 की लेवल से स्टॉक में बायर्स एक्टिव नज़र आए, हमको यहाँ से अप ट्रेंड देखने के लिए मिला था। बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली, जंप देखने के लिए मिला, लेकिन फिर आई गिरावट। 32 के लेवल पर रिजेक्शन फेस किया और गिरावट वहाँ से लगातार देखने के लिए मिल रही है। जहाँ क्लोजिंग दे गया है इस वक्त अपने सपोर्ट लेवल पर, ये 30 का लेवल इसका इमीडिएट सपोर्ट था और उसी सपोर्ट पर स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि 30 के सपोर्ट पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, तो अपने सपोर्ट लेवल पर क्लोजिंग दिखाई। जंप आता है तो यहाँ जंप पर बुलिश नहीं होना है, हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि यहाँ से गिरावट का सिग्नल देता स्टॉक नज़र आ रहा है। और मार्केट भी हम जानते ही है कि लगातार गिरावट दिखा रहा है पिछले 2 दिनों से, तो यहाँ और भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है मार्केट में भी और इन्फीबीम में भी। लेकिन हमको मार्केट के भी मोमेंटम पर नज़र रख कर चलना है, जो वार की न्यूज़ है उस न्यूज़ पर भी नज़र रखे रहना है। अगर गिरावट के साथ 30 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 28 के लेवल पर, और देख सकते हो 28 के लेवल से ही सपोर्ट लेकर बड़ा जंप आया था। इससे पहले भी स्टॉक ने ऑलमोस्ट 28 के लेवल पर ही सपोर्ट लेकर जंप दिखाया था, अगेन इस बार उसी सपोर्ट से जंप दिखाया। तो 28 नीचे की ओर 30 के ब्रेक डाउन के बाद इमीडिएट सपोर्ट बनेगा, और जब तक इस लो के ऊपर है यानी 26.80 रुपये 27 रुपये के ऊपर है तब तक अपसाइड के चांस बने हुए हैं। अब अगर यहाँ जंप आता है तो जंप पर हमको थोड़ा सा अवेयर भी रहना होगा, क्योंकि जंप दिखा के स्टॉक अगर अगेन रिजेक्शन ले सकता है। जंप के साथ अगर 32 का जो हाई है जहाँ से रिजेक्शन लिया है, इस हाई को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिखा गया 32 के ऊपर, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हायर हाई चार्ट पैटर्न के साथ और बड़ी तेज़ी फिर स्टॉक दिखा सकता है। फिर एक क्लियर कट हमारे लिए अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा। फिर नेक्स्ट टारगेट 34 का लेवल और 36 से लेकर 38 तक का भी जंप स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन इंतज़ार करना इस हाई के ब्रेकआउट का। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।